नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का लाइफ प्रिपरेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित एस्ट्रो, और हमारे कर्मों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो अब बहुत ही जल्द हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। दोस्तों, हमारी उंगलियों में सीधी सीधी वर्टिकल लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। उन रेखाओं को देखकर आप बहुत आसानी से अपने आप की क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप, मनी का स्टेटस, इन सब के बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे आपका मेंटेलिटी, विचार चेंज होंगे, उनमें देखेंगे आप चेंज होते हुए। क्योंकि जो अगर आप टिपिकल लाइनें हाथवेली में नहीं देख पाते हैं, तो इन रेखाओं को देखना बहुत सरल है। फ्लेंजेस होते हैं आपके, ये पर्व होते हैं उंगलियों पे, तीन पर्व होते हैं उंगलियों पे बने होते हैं, किसी किसी के चार भी होते हैं। उन पे वर्टिकल लाइनें खींची हुई होती हैं, कुछ हॉरिजेंटल होती हैं। किस जगह पे कितनी रहने हैं, उससे बहुत आसानी से आप गिन के सामने सामने जान सकते हैं। आज की इम्पोर्टेंट, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समुद्र शास्त्र फैलेंजेस के बारे में, उंगलियों के पोर के बारे में बहुत कुछ कहता है। जैसे कि आप यहाँ वर्टिकल लाइनें देख सकते हैं, ये वर्टिकल लाइनें बहुत कुछ बताती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे रिलेशनशिप हो गया, हमारी क्रिएटिविटी हो गई, हमारी मनी मेकिंग एबिलिटी कितनी, हम कितना समाज में प्रतिष्ठित हो पाएंगे। और आप अगर हथेली में देखें, बहुत बारीक रेखाएं होती हैं, उनको देखना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इनको देखना बहुत सरल होता है। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। आप पहले तो ये देखिए, समुद्र शास्त्र द्वारा वर्णित सबसे ज़्यादा जो बात की गई है, इन्हीं फ्लेंजेस के बारे में बात की गई। इसमें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइनें जो होती हैं, उनके बारे में बात की गई है। अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट पार्ट जो होता है किसी भी उंगली में, आप जो पहला भाग होता है, पहला पोर होता है, पहला फैलेंज होता है, वो हम लोगों के हायर सेल्फ को दिखाता है। हायर सेल्फ आपकी सेंसिटिविटी को दिखाता है, आपकी संवेदनशीलता को दिखाता है। मतलब आप कितने किसी चीज़ के प्रति संवेदनशील है, वो किस उंगली से संबंधित है। गुरु की उंगली होगी तो रिलीजन से रिलेटेड हो जाएगा, सैटर्न हो तो प्रैक्टिकलिटी संबंधित हो जाएगा, रिसर्च संबंधित हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट ऐसे दिखाता है। सेकंड पार्ट यह दिखाता है, सेकंड विकास पूरी तरीके से भौतिकता को दिखाता है। आप व्यक्ति के अंदर कितना प्रैक्टिकल है, कितना व्यक्ति लाइफ में कितना चीज़ें कमाता है, जैसे धन कमाना, व्यापार करना, उसको कितना लाभ होता है। और ये जो लास्ट होता है वो इमोशंस को दिखाता है, आपके रिलेशनशिप को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो हम जानते हैं कि करके सभी चीज़ों के बारे में। अगर यहाँ पे आपके पहले भाग में जुपिटर जहाँ पे है, उंगली है, ये गुरु का यहाँ पे पर्वत होता है गुरु, ये आपकी तर्जनी उंगली होती है। तर्जनी उंगली पे सीधी अगर लाइनें हैं, उसमें आप देखेंगे अगर ऐसे करके कोई ऐसे करके साइड सीधी लाइन काट रहे, तो इसका मतलब होता है कि आप अध्यात्म को, या कहें रिलीजन को, धर्म को समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। अगर आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप देखिए, जैसे कि ये फोर पार्ट आपके होते हैं उंगलियों में, अगर कोई पहले पार्ट या दूसरे पार्ट कहीं पर भी वो आती है उस पर्टिकुलर संबंधी, जैसे कि मैंने बताया संवेदनशीलता का वो पार्ट है, ऐसे अगर यहाँ पे कोई वर्टिकल लाइन है, डैट मीन्स ए ब्लॉकेज, ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी। वो किस किस ग्रह से संबंधित होगा वो डिपेंड करता है, मतलब वो ग्रह आपका गड़बड़ होगा। आपका जैसे जो गुरु पर्वत तक, जो या आप ये कैसे जुपिटर की उंगली हो गई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या ये बुद्ध की उंगली हो गई, ये बुद्ध है। बुद्ध मतलब व्यक्ति की तर्क क्षमता, बोलने की एबिलिटी, इन सब चीज़ों को दिखाता है। अगर यहाँ पे कोई आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखे, या आपकी क्षैतिज लाइन दिखे जो काटती हो, तो आप देखेंगे तो मोस्टली छोड़कर जो एनर्जी और फ्लो ऑफ एनर्जी है वो स्लो है। आप देखेंगे किसी किसी में लंबी लाइन होती है, और फिर यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें होती हैं, और फिर इधर ऐसे करके काटते हैं, इनकी भी मीनिंग होती है। ये मतलब जो साइड में ऐसा करके काटते हैं, तो मतलब ब्लॉकेज है, पर पूरा ब्लॉकेज नहीं है, आप कहीं ना कहीं खुला हुआ है। तो ये साइंस बहुत अच्छे माने जाते हैं अगर सीधी लाइन है। बेसिकली इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम हमको मिलता है, व्यक्ति मोस्टली तो फ्रेंडली होगा, बहुत ही ज़्यादा दोस्ताना स्वभाव होगा अगर मैं सीधी लाइन आपको ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। अगर आपको मिलता है कि अगर सेकेंड पार्ट में गुरु के पर्वत पे ज़्यादा है, तो व्यक्ति को धन काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है, धन संपदा वैभव, इसके प्रति बहुत आकर्षित होता है व्यक्ति। अगर हम इस पे आ जाए शनि उंगली पे, आपकी मिडिल फिंगर, अगर यहाँ पे काफ़ी लाइनें हैं आपको लंबी लंबी दिख रही हैं, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर प्रैक्टिकलिटी, मतलब अपने आप को जानने की इच्छा, ठीक है, कॉन्शियसनेस, क्योंकि सैटर्न जो है हमारी कॉन्शियसनेस को दिखाता है। तो अपने आप को जानना, रिसर्च करना, चीज़ों में इन्वॉल्व होना, साइंटिफिक टेम्पर जो होता है, साइंटिफिक माइंड होता है, उसकी तरफ प्रेरित करता है। अगर हम
सन उंगली की बात करें तो सन उंगली पे अगर ये वर्टिकल लाइनें हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल है, दिस इज़ वेरी वेरी गुड। अगर यहाँ पे कोई लाइन ऐसे करके काट रही तो ब्लॉकेज ऑफ सन, उस पर्टिकुलर ग्रह को आपको अच्छा करना होगा। मेडिटेशन कर सकते हैं, उस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्रह को अच्छा करने के लिए। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं अगर यहाँ पे मरकरी फिंगर पे सीधी सीधी लाइनें हैं। मान लीजिए कि मैंने बताया सेंसिटिविटी को दिखाता है, व्यक्ति तर्क क्षमता बहुत अच्छी होगी। अब मान लीजिए ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे कोई ऐसे करके काट रहा है तो व्यक्ति सेंसिटिविटी का यूज़ करके, लॉजिक का यूज़ करके हो सकता है दूसरे की अपमान करे, बेइज्जती करे, उसको मतलब एम्बेरेसिंग फील कराए। तो इस तरह की चीज़ें भी व्यक्ति करने लगता है जब ये निगेटिव सेंस में काम कर रहा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे वर्टिकल लाइनें हैं तो ये पॉजिटिव सेंस में काम करता है। यहाँ पे अगर ये, वैसे भी वर्टिकल लाइनें आपकी जो होती हैं वो शुभ मानी जाती हैं, जैसे कि आपकी जीवन रेखा हो गई, आपकी ये मस्तिष्क रेखा हो गई, हृदय रेखा हो गई, हार्ट लाइन पे। अब यहाँ पे कोई वर्टिकल लाइन इस तरीके की आप देखेंगे कई सारी मिल जाएंगी आपको, तो वो लाइनें क्या होती हैं, वो एक तरीके से सपोर्ट लाइनें होती हैं, आपकी इन्फ्लुएंस लाइन होती हैं उस पर्टिकुलर एज में। जैसे कि यहाँ से आप एज देखना शुरू करते हैं, 12 साल आपकी, 18 साल फिर आ जाएगा आपकी, 25 साल इस तरह से एज दें तो उस पर्टिकुलर एज में आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा। तो ये वर्टिकल लाइनें काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं, बहुत ही शुभ होती हैं। ये अपने बेसिक जो जाना कि कौन कौन से ग्रह में अगर ब्लॉकेज आ रहा है तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ग्रह का हम उपचार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रहों की पावर पर्टिकुलर उस उंगली से संबंधित, जैसे कि सोल का, जैसे सोल आपकी होती है, आत्मा जो होती है सूर्य के द्वारा देखी जाती है। सूर्य किसका स्वामी होता है, पिता का, आपकी सोल का। और आप कितना धन कमाएंगे, आपकी अंदर क्रिएटिविटी कितनी होगी, अगर इसमें ऐसे करके कोई लाइन आ रही तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में व्यवधान उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है। तो उपाय करके इन सब चीज़ों को सही करा जा सकता है। आगे किसी और वीडियो में बहुत ही रोमांचक तथ्यों के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।